ये बछड़ा काफी दिन तक नाली में पड़ा रहा, पूरी कीचड़ पेट में जमा हो गई। कारण था कुत्तों ने इसे काट लिया, काटने के बाद ये नाली में गिर गया। कमजोरी की वजह से ये 2 दिन तक उसी नाली में पड़ा रहा। पूरा इन्फेक्शन पेट के अंदर तक फैल गया था। जब हमें सूचना मिली तो गौ सेवाधाम हॉस्पिटल में हमें से लाए तो डॉक्टर्स ने पेट के अंदर जो इन्फेक्शन एवं कीचड़ जमा थी उसको बाहर निकाला। पूरा प्रयास किया कि हम उसके जो इंटेस्टाइन एवं जो स्टोमक एरिया है उसको अच्छे से क्लीन कर सकें। लेकिन स्टोमक और इंटेस्टाइन बड़ी ही सॉफ्ट टिश्यूज एवं बड़ी सेंसिटिव एरिया होता है, जिसके कारण इन्फेक्शन पूरे पेट में और पूरे शरीर में फैल चुका था। हमने पूरा प्रयास किया, अच्छे से सर्जरी की और हमें ऐसी उम्मीद भी थी कि ये बछड़ा बच जाएगा, लेकिन इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैलने की वजह से आखिर में उस बछड़े ने अपने प्राण त्याग दिए। हमें बड़ा दुख हुआ। हमने उस बछड़े का अंतिम संस्कार विधि विधान से किया। और फिर मैं लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि जो लोग बछड़ों को दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है, यदि आपके आसपास इस प्रकार के व्यक्ति हैं तो आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।